good morning students my name is aslan shahid and this is lecture 11 for class 5 and subject is science in the previous lecture we have uh, discussed the reading section uh, of the topic virus which is at the page number 28 of your textbook today's lecture is based upon the reading section uh, at page number 29 of your uh, textbook so let's start the very first paragraph at page number 29 इट इज इट इज रिटेन वेन वी स्नीज और कफ़ एंड डो नॉट कवर आर आर नोज और माउथ ठीक है जब हम स्नीज करते हैं या कफ करते हैं स्नीजिंग होता है कि छींक आती है जब हमें या हमें खांसी करते हैं और अगर हम डो नॉट कवर आर नोज और माउथ अगर माउथ और नोज को कवर नहीं करते तो उसका इफेक्ट क्या होता है द डिजीज कॉजिंग वायरसेज कैन रीच अप टू थ्री मीटर फॉर ठीक है आपके जो अगर लट्सपोज Uh, कोई वायरस है आपने, तो जब आप स्नीज करते हैं काफ करते हैं और अगर, अगर अपने फेस को आप कवर नहीं करते तो उसके रिजल्ट क्या होता है कि जो आपके वायरस होता है जिस जिसकी वजह से आपको डिजीज है वो थ्री मीटर्स फार तक जो है वो फैल सकता है ठीक है इसीलिए प्रीवियस लेक्चर पे भी इस चीज़ को डिस्कस किया था कि हम कोरोना वायरस जो है अपने कहते हैं कि अपने मास्क पहने ठीक है ग्लव से अपने हैंड्स को कवर करें और ये वो तो वो इसीलिए होता है ताकि वो जो जर्म्स होते हैं या वो जो वायरस होता है वो बाहर जो है वो फैल ना सके यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि थ्री मीटर्स ऑफ आर की अगर हम कवर नहीं करते तो वो थ्री मीटर तक फैल सकें दिस इज़ हाउ दे कैन इन्फेक्ट हेल्दी पर्सन एंड मेक देम इल अब होता क्या है कि जो एक इल पर्सन होता है जब वो स्नीज करता है कफ करता है और डांपता नहीं है अपने चेहरे को या माउथ को या नोज़ को तो वो जो उससे वायरस होता है वो थ्री मीटर तक फैर तक थ्री मीटर फार तक फैल जाता है और जो थ्री उस थ्री मीटर के एरिए में जो हेल्दी पर्सन जब आता है तो वो उसमें इंटर हो जाता है जैसे ही उसमें इंटर होता है प्रीवियसली हमने पढ़ा था कि जैसे ही ये ह्यूमन बॉडी में इंटर होता है तो क्या करता है ख़ुद को मल्टीप्लाई करता है और फास्ट रेट से ग्रो करने लग जाता है अब इस कंसेप्ट को विद द हेल्प ऑफ दिस फिगर अंडरस्टैंड करते हैं इसमें ये देखेंगे कि ये जो है इसने जब कफ की या स्नीज कि यार ठीक है कफिंग या स्नीजिंग कर रहा है ये ठीक है जब इसने की तो क्या हुआ कि ये जो इसमें वायरसेस थे या जर्म थे ये फैल गए ठीक है ये इसके एरिया में फैल गए थ्री मीटर के एरिए में अब हुआ क्या कि जो ये लेडी जो है ये टू मीटर के डिस्टेंस पे यहाँ पे इससे स्टैंड कर रही है अब जो इसके मुंह से वायरसेस निकले वो इसे इफेक्ट कर रहे हैं ठीक है क्योंकि ये, ये उस रेंज में लायक कर रही है अब आप देखें कि यहाँ पे जो लोग खड़े हैं ये इससे थ्री मीटर फार अ हैं ठीक है क्योंकि जो वायरसेस होते हैं वो थ्री मीटर तक ही फैल सकते हैं इससे आगे नहीं जा सकते तो ये सेफ हैं लेकिन ये जो लेडी है चूँकि ये इल पर्सन था लेकिन ये हेल्दी थी अब ये जो वायरस है ये इसमें इंटर हो सकता है क्योंकि ये उस एरिए में आ गई है इसने अपने फेस को नहीं डंप हुआ था उस वजह से वायरस जो है थ्री मीटर के एरिया में फैल गया अब उसमें जो भी हेल्दी पर्सन आएगा वो उसको इफेक्ट कर सकता है जिस तरह ये लेडी है ये थ्री मीटर के एरिया में तो इसको ये वायरस जो है ये इफेक्ट कर सकता है जबकि ये जो है ये सेव रहेंगे तो इसलिए यहाँ पे भी मेंशन है कि जब आप कवर नहीं करते तो आपके पास जो वायरस होता है वो थ्री मीटर फार जो है वो फैल जाता है नेक्स्ट इज वी कैन रिड्यूस द रिस्क ऑफ स्प्रेडिंग एंड कॉन्ट्रैक्टिंग वायरल इन्फेक्शन बाई अडोपिंग हेल्दी हैबिट्स ठीक है अब चूंकि ये प्रॉब्लम आती है कि अगर हम फेस को कवर नहीं करते या ठीक है ड्यूरिंग स्नीजिंग और कफिंग तो होता क्या है कि वो जो वायरस होता फैल जाता तो अब इसको जो है वो रिड्यूस किस तरह किया जाए ठीक है इसके रिस्क को तो उसके लिए उसने बताया हुआ कि जो वायरल इन्फेक्शन होता है वायरल इन्फेक्शन होता है कि ठीक है वायरल इन्फेक्शन होता है कि जो जर्म्स आपसे निकले हैं वो दूसरे में इंटर हुए हैं तो वो क्या है वो वायरल इन्फेक्शन uh, की एक कॉज है ये एक एक बंदे से जो ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसफर होती है उससे बारे में फिक्सिंग कहते हैं बाईडिंग हेल्दी हैबिट्स अब हेल्दी हैबिट्स कौन सी हैं सच एज वॉशिंग आ हैंड एंड कवरिंग आर स्नीस ठीक है जब भी ड्यूरिंग स्नीजिंग आपने अपने माउथ को कवर कर लिया तब भी आपके जो वायरस है वो स्प्रेड नहीं होगा और अगर आपने जो है अपने हैंड्स को प्रॉपरली वॉश कर लिया तो वो वायरस आपके हैंड्स के थ्रू भी स्प्रेड नहीं होगा अभी हमने स्टडी किया कि अगर हम स्नीजिंग ड्यूरिंग स्नीजिंग जो है कवर ना करें तो फैल जाता है तो उसके लिए हेल्दी हैबिट्स कौन सी हैं कि जब भी ड्यूरिंग स्नीजिंग हम अपने फेस को कवर करें ठीक है किसी भी टिश्यू के साथ या मास्क पहने और अपने जो हैंड्स हैं इनको रेगुलरली वाश करें इसी तरह से जो है हम इस ये जो स्प्रेडिंग होती है इसे अवॉइड कर सकते हैं जिस तरह भी कोरोना वायरस में भी बार बार कहा जाता है कि अपने हैंड वाश करो अपने फेस को कवर करो ताकि ये वायरस जो है ये स्प्रेड ना करे ठीक है जो हेल्दी पर्सन है उनको इल ना कर सके वायरसेज आर मेड अप ऑफ केमिकल्स विच आर जस्ट लाइक दोज फाउंड इन आर बॉडी ठीक है ये उसी तरह के केमिकल्स होते हैं जिस तरह के हमारी बॉडी में होते हैं सेल्स होते हैं ये उसी तरह अपने आप को जो है ये ग्रो करते हैं और जस्ट लाइक वही केमिकल्स होते हैं ये केमिकल्स हमारे स्टॉमिक में भी हो सकते हैं जस्ट लाइक बैक्टीरिया तो उसी तरह के केमिकल्स होते हैं डिफरेंट टाइप्स के सम साइंटिस्ट दैट वाइसिस आर नॉट रियली अलाइव ठीक है कुछ साइंटिस्ट यही कहते हैं कि ये जो है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है ठीक है एक डेड ऑर्गेनिज्म समझ लें या ना ये लिविंग होता है नॉन लिविंग इसको समझ लें ठीक है दे कैन ओनली सर्वाइव बाई इंटरिंग द सेल्स ऑफ एनिमल्स प्लांट्स और बैक्टेरिया ये जो है ये तब ही बच सकता है जब ये किसी ह्यूमन uh, बॉडी या किसी लिविंग थिंग के सेल में इंटर होता है ठीक है किसी लिविंग बॉडी एनिमल्स में वही आ जाते हैं कि जो लिविंग थिंग है उनके सेल्स में इंटर होता है जब प्लांट्स के सेल्स में या बैक्टीरिया में इंटर होता है तो तब ही ये जो है वो ग्रो कर सकता है सर्वाइव कर सकता है और वो उसकी रीजन क्या है कि यह क्यों इसी तरह इनमें सर्वाइव कर सकता है वंस इनसाइड अ सेल द वायरस यूजिज द अवेलेबल मटेरियल टू लिव एंड रिप्रोड्यूस अब अपने पास तो इसके पास ना फूड होती है ना कोई चीज़ होता है तो ये जैसे ही सेल के अंदर इंटर होता है ना तो उसकी जो फूड होती है एनर्जी होती है उसको यूज कर लेता है अवेलेबल मटेरियल टू तो लिव एंड रिप्रोड्यूस जो उसने खुद को यूज करना होता है ग्रो करने के लिए वो वायरस यूज कर लेता है सेल में जो एनर्जी होती है द वायरस कैन मेक हंड्रेड्स ऑफ कॉपीज ऑफ इट सेल्फ ये अपनी कॉपीज मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि खुद को मल्टीप्लाई बड़ी फास्ट रेट से करता है तो हंड्रेड ऑफ कॉपीज जो है वो इट से बना सकते हैं ठीक है थीके? इसको हम फिगर से देखते हैं किस तरह बनाते हैं द हेल्दी सेल इज डिस्ट्रॉयड विच कैन मेक द एनिमल और प्लांट वेरी इल अब होता क्या है कि जैसे ही ये एक हेल्दी सेल में इंटर होता है ठीक है हेल्दी सेल में उसकी फूड को यूज कर लेता है उसकी एनर्जी को यूज कर लेता है अब होता क्या है कि जब वो उसकी एनर्जी और फूड को यूज कर लेता है वो सेल फिनिश हो जाता है डिस्ट्रॉय हो जाता है तो उसका रिजल्ट क्या आता है कि जो एनिमल होता है या जो प्लांट होता है उसका जिसका भी वो सेल होता है वो इल हो जाता है सिक हो जाता है हेल्प ऑफ फिगर अंडरस्टैंड करते हैं आप देखें ये एक वायरस है ये एक हेल्दी सेल है ठीक है जैसे ही ये वायरस इस हेल्दी सेल में इंटर होता है यहाँ पे ये क्या करता है कि जो अपना पार्ट है ये इसको रिप्लेस करता है डी जो डी होता है सेल का डी एन समझ लें आपके जिस तरह इसका मटीरियल या एनर्जी होती है उसको यूज़ करके आर एन प्रोड्यूस करके फर्दर प्रोडक्शन करता है ठीक है तो इसकी जो खुराब होती है डीएनए उसको यूज़ करता है ये अब नेक्स्ट स्टेप थ्री पे चलते हैं स्टेप थ्री में क्या होता है कि ये जो जैसे ही उसको फूड को यूज़ करता है तो खुद को प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है यहाँ पे देखें यहाँ पे जो है वो सिंगल था सिंगल वायरस था ठीक है अब यहाँ पे जैसे ही उसने इसकी मटेरियल को यूज़ किया डीएनए को फर्दर इसने क्या रिप्रोडक्शन कर दी यहाँ पे वन था लेकिन यहाँ पे देखें वन टू थ्री फोर फाइव हो गए हैं ठीक है इसके बाकी कंपोनेंट्स भी इसी तरह ग्रो करते जाते हैं अब ये देखें ये सेल है इसमें ये इसके डिफरेंट कंपोनेंट्स ग्रो करके अब स्टार्ट में देखें इंटर वायरस बन हुआ था जब सेल से बाहर निकला वन टू थ्री फोर फाइव तो फाइव इसकी कॉपीज़ बन गई तो जैसे ही ये सेल में इंटर होता है इसके मटीरियल को यूज़ करता है और रेपिड रेट से जो है कॉपीज़ बनाता है और जो सेल होता है उसकी एनर्जी को जो है ये वेस्ट कर देता है ठीक है वो हेल्दी नहीं रहता इल हो जाता है नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं संजाई फंजाई आर नॉट क्लासीफाइड अब जो फंजाई होती है ना क्लास इसको ना तो आप कह सकते हैं कि ये एक प्लांट है ना कह सकते हैं कि ये एनिमल है किंगडम में क्लासीफाई किया जाता है फंजाई इज नॉट एन प्लांट नॉट एन एनिमल ठीक है दे आर मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंजाई इन वेरिंग साइज अब इसकी डिफरेंट टाइप्स होती हैं और टाइप ये नहीं होती है, ये एक ही जबकि इनका जो टाइप्स होती हैं उनका साइज भी डिफरेंट होता है शेप्स भी डिफरेंट होते हैं और इंडिविजुअल जो उनका कलर होता है वो भी डिफरेंट होता है अब ये जो फिगर है इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिंजाई जो है वो शो किए गए अब आप देखें कि ये जो फिंजाई है और ये जो फिंजाई है इसके कलर में भी डिफरेंस है इसकी शेप में भी डिफरेंस है ठीक है इसी तरह ये जो है इनके कलर में भी डिफरेंस है शेप में भी डिफरेंस है और साइज़ में भी है ये स्मॉलर है जबकि ये थोड़े ग्रेटर हैं इसी तरह यहाँ पे देख लें इनमें भी कलर डिफरेंस भी है ठीक है ये दोनों का कलर चेंज है साइज में भी डिफरेंट है और शेप में भी डिफरेंट है तो हर फंजाई जो है वो दूसरी टाइप से डिफरेंट होता है इन इट्स साइज शेप एंड कलर सम फंजाई आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अदर्स आर मैक्रो ऑर्गेजम ठीक है ये दोनों कंसेप्ट डिफरेंट है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डिफरेंट है मैक्रो ऑर्गेजम्स डिफरेंट है जो माइक्रो होता है वर्ड इसका मतलब होता है स्मॉलर ठीक है तो जो ये दोनों टाइप्स के होते हैं स्मॉलर ऑर्गेनिज्म भी होते हैं मैक्रो मैक्रो का मतलब होता है बड़ा तो स्मॉलर ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं बड़े भी होते हैं ठीक है दे डू नॉट मूव फ्राम वन प्लेस टू अनदर लाइक एनिमल्स जैसे एनिमल्स वन प्लेस से दूसरी प्लेस तक जो है ईजिली मूव कर सकते हैं लेकिन जो फंजाई होते हैं ये वन uh, प्लेस से दूसरी प्लेस तक जो है ये मूव इजीली नहीं कर सकते ठीक है इट कैन नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू एन अदर प्लेस अब इसमें इस फिगर में ये जो फिनजाई है ये है माइक्रो ठीक है माइक्रो वर्ड को देखना ध्यान से माइक्रो और मैक्रो माइक्रो है ये फंजाई ये आम नेकेड आई से जो माइक्रो होते हैं बहुत स्मॉलर होते हैं आम नेकेड आई से नहीं दिखाई देते तो ये देखें ये जो फिगर है ये विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप जो है इसको लिया गया है तो ये बहुत ही स्मॉलर इन साइज होते हैं तो इसलिए इनको क्या कहते हैं माइक्रो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ठीक है अब ये जो है ये होता है मशरूम तो ये जब मैंने मशरूम प्रीवियस चैप्टर की एक्सरसाइज की थी वहाँ पे भी बताया था कि यह किंगडम फिनजाई में आता है ठीक है अब किंगडम फिंजाई में आता है तो ये मशरूम जो होता है ये नेकीडाई से भी देख देखा जा सकता है ठीक है इस फिन को तो इसलिए इसको कहते हैं मैक्रो मैक्रो होता है कि थोड़ा सा बड़ा होता है ठीक है माइक्रो बहुत छोटा होता है मैक्रो होता है कि उसको नेकीडाई से देखा जा सकता है यह अपने अक्सर घास पे या इधर उधर देखा भी होगा इसको ऑब्जर्व भी किया होगा ठीक है इसी तरह ये माइक्रो भी होते हैं ठीक है ये देखिए ये माइक्रो भी होते हैं और माइक्रो भी होते हैं नेक्स्ट इज देर मेन फिक्सड एट वन लोकेशन लाइक अदर प्लांट्स ठीक है प्रीवियसली हमने पढ़ा कि ये वोव नहीं कर सकते ठीक है जस्ट अनलाइक एनीमल्स और ये जिस तरह प्लान एक जगह पर होता है फिक्स होता है तो ये भी जो आते हैं वो फिक्स ही रहते हैं दे रिमेन फिक्सड एट वन लोकेशन एक ही जगह पर फिक्स रहते हैं जिस तरह प्लाट्स फिक्स रहते हैं अनलाइक प्लान्स होंजाई कै नाट मेक देयर ऑन फूड अब इसमें डिफरेंस आता है फिंजाई के एनिमल्स का क्या डिफरेंट है कि ये एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकते सिमिलर और प्लांट्स का क्या डिफरेंस है कि प्लांट्स जो है वो अपनी फूड जो है फूड प्रिपेयर कर सकते हैं इट सेल्फ लेकिन जो फिनजाई होता है ये फूड प्रपेयर नहीं कर सकते तो ये फूड कहाँ से लेते हैं दे फीड ऑन डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स अब जो डेड प्लांट्स होते हैं या एनिमल्स होते हैं ये उनकी बॉडीज़ को डीकम्पोज करके जो है वो फूड जो है अपने लेते हैं फंजाई आर फाउंड इन डैम वार्म प्लेसिस एंड इन द एयर सॉयल वाटर एंड ऑन प्लांट्स अब फंजाई की लोकेशन कौन कौन सी हो सकती हैं ठीक है इनमें डैम्प आ जाता है डैम्प होता है कि थोड़ी सी नमी वाली जगह ये ये वर्ड आपके लिए न्यू है इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ हेल्प दैल्पो फिगर के ये होती किस तरह से है किस चीज़ को डैम्प कहते हैं वार्म प्लेस होता है कि जहाँ पे टम्परेचर जो है वो हॉट होता है ठीक है एयर में भी हो सकते हैं ये सॉयल में भी हो सकते हैं ज़मीन में वाटर पानी में भी एंड ऑन प्लांट्स प्लांट्स की सरफेस पे भी हो सकते हैं ठीक है थीके? अब इस फिगर को देखें डैम्प होता है जहाँ आपने अक्सर देखा होगा अपने घरों में कि वाल्स पे जो है वो थोड़ा जहाँ पे नमी होती है जिसको अक्सर आपके घर वाले कहते हैं कि यहाँ पे स्ला पड़ गई है या इस तरह सा वर्ड यूज़ करते हैं ठीक है तो उसको क्या कहते हैं उस इन्वायरमेंट को डैम ठीक है वहाँ पे नमी हो जाती है तो ये जो फिंजाई होते हैं ये डैम में भी हो सकते हैं उसके बाद जो है ये वाम प्लेस पे इन एयर सॉइल वाटर या प्लांट्स की सरफेस पे भी हो सकते हैं मोस्ट फंजाई और डेंजरस इन फैक्ट वी ईट सर्टन फंजाई साथ मशरूम अब जो मश जो फंजाई होते हैं ये डेंजरस नहीं होते बेनिफिशियल भी होते हैं ठीक है नेक्स्ट इसकी जो बेनिफिट्स हैं वो भी एक्सप्लेन किए गए हैं और जो मशरूम होता है इसको कुछ लोग खाते भी हैं ठीक है ये एक मशरूम की शेप है इसको अक्सर लोग खाते भी हैं ठीक है तो ये डेंजरस नहीं होता फंजाई इसको खाने के लिए यूज़ किया जाता है जस्ट लाइक मशरूम नेक्स्ट इज यीस्ट इज़ अ माइक्रोस्कोपिक फंगस ठीक है जो यीस्ट है वो एक फंजाई है ठीक है यीस्ट क्या है फंजाई इसका यूज बताया गया कि ये किस तरह हमारे लिए बेनिफिशियल है यीस्ट इज़ अ माइक्रोस्कोपिक अब मैक्रो नहीं है ये माइक्रोस्कोपिक है है ठीक माइक्रोस्कोपिक यीस्ट इज़ अ माइक्रोस्कोपिक फंगस यीस्ट इज एडिड टू द डफ टू मेक ब्रेड अब डफ क्या होता है इसको भी मैं विद द हेल्प ऑफ फिगर एक्सप्लेन करता हूँ यीस्ट एक माइक्रोस्कोप फंगस होता है जब इसको डफ में ऐड करते हैं तो ये क्या बनाता है ब्रेड क्या बनाता है ब्रेड अब इस फिगर को देखें इसमें ये जो है ये फ्लो, आ, फ्लोर को मिक्स किया गया है वाटर के साथ और ये जो ऊपर से एडिशन हो रही है ये पाउडर है यीस्ट का ठीक है यीस्ट के पाउडर में इसमें मिलियंस ऑफ यीस्ट के जो हैं वो हो सकते हैं आ, आ, फंजाई हो सकते हैं ठीक है तो इसको जब हम इस डफ में मिक्स करते हैं तो ब्रेड बनती है ठीक है ये जो है ये मिक्सचर ऑफ लिक्विड एंड फ्लोर जो रहता है उसको जब इस तरह से बनाया जाता है तो इसको क्या कहते हैं डफ फ्लोर और जब लिक्विड उसमें यूजली वाटर यूज़ किया जाता है फ्लोर वाटर uh, का जो मिक्सचर होता है उसको डफ कहते हैं और यीस्ट जो है जब इस डफ़ में मिक्स uh, किया जाता है और इसको वार्म किया जाता है टेम्परेचर हीट दिया जाता है तो ब्रेड बनती है जिस तरह अक्सर घरों में रोटी भी बनाते हैं तो उसमें भी इसको हेल्प आउट होता है द डफ रेन इट इज़ वाम मेकिंग द ब्रेड सॉफ्ट एंड लाइट अब जब इसमें यीस्ट ऐड किया जाता है और इसको हीट किया जाता है वाम किया जाता है मेक तो क्या बनता है ब्रेड बन जाती है कौन सी सॉफ्ट एंड लाइट सॉफ्ट एंड लाइट ब्रेड अब ये देखिए ये ब्रेड ब्रेड है जो के बनी है डफ और यीस्ट के कंबिनेशन से अब जब अब आपने ब्रेड खाई भी होगी आपको पता है कि ब्रेड बड़ी ही लाइट होती है और ये सॉफ्ट भी होती है हार्ड तो नहीं होती क्या हार्ड भी होती है हार्ड हो तो हमसे खाई भी ना जाए तो ये एक बड़ी सॉफ्ट बनती है उसके अलावा जो है ये लाइट सी होती है इसका वेट नहीं ज़्यादा होता तो यीस्ट के कम्बी यीस्ट को जब डफ़ में मिक्स किया जाता है तो उससे क्या बनता है वार्म किया जाता है तो उससे क्या बनता है ब्रेड ब्रेड की क्वालिटी क्या होती है यीस्ट की वजह से कि ये सॉफ़्ट बनती है और लाइट होती है लाइट वेट होती है आज का जो लेक्चर है वो आपका पेज नंबर थर्टी ठीक है यहाँ तक है यीस्ट के यूज तक ठीक है आज हमने पेज नंबर ट्वेंटी नाइन पे रीडिंग जो सेक्शन था इसको कवर किया एंड फर्स्ट टू पैराग्राफ है पेज नंबर थर्टी इसको काइंडली पढ़िएगा अंडरस्टैंड करिएगा बेस्ट ऑफ लक